हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके के, आपके रीजनिंग के, करंट अफेयर के, सब कुछ डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट का एनालिसिस की वीडियो पहुँचती रहे। जितने भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जितने भी मैं ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ, वो सब आप तक पहुँचते रहें। और देखिए दोस्तों, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि सीईओ ऑफ पेटीएम, तो पेटीएम की जो सीईओ है वो है रेणु सेट्टी जी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेणु सेट्टी। और जो फाउंडर है पेटीएम के, ये भी पूछा जा सकता है, विजय शेखर शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, फाउंडर कौन है पेटीएम के, विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट आपका हिंदी के अंदर 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, कृष्णा सोबती जी को मिला है, इसको भी याद रखिएगा। ये शायद कल भी पूछे गया था या फिर इससे पहले रिपीट हो चुका है, बट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक जी बने हैं जो अभी नवे, तो ये सत्यपाल मलिक जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, ये राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, ये पुणे में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी क्वेश्चंस बहुत कम भेज रहे हैं यार, तो अगर आपका एग्जाम होता है तो आप भेज सकते हैं हमें टेलीग्राम पे। ठीक है, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, बट उसके लिए भी सबसे पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाली भी और सारी पीडीएफ वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, NCL3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कल नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आज पूछ लिया गया नीति आयोग में आई का मतलब क्या है। तो आई का मतलब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था। देखिए, इसमें दो आई आते हैं नीति में। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और इंडिया इसमें होगा, जो भी अगर इंडिया दे रखा होगा, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा ऑप्शन में तो इंडिया लगाना था, अगर इंडिया नहीं होगा इंस्टीट्यूशन दे रखा होगा तो आपको इंस्टीट्यूशन लगाना था। पूरी फुल फॉर्म है इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा आगे से भी। देखिए, नीति आयोग पे लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आते नीति आयोग से, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं सिफ्मोमैनोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओडीआई के अंदर 3 डबल सेंचुरी मारी है ये रोहित शर्मा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग काइलस होती है इवेपोरेटर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे भी यहाँ पे पूछा गया था, तो 7 अप्रैल होता है राइट आंसर। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा का स्रोत क्या है, सिनेबार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिनेबार। ठीक है भाई, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सचिन तेंदुलकर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारी जल का क्वथनांक क्या होता है, तो 101.4 डिग्री सेल्सियस, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, ये फ्रांस ने जीता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये अमिताभ बच्चन जी, राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये आपका जठर रस से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ड्रीम 11 ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एमएस धोनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, असम स्पोर्ट के स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हेमा दास, राइट आंसर हो जाएगा। और एक था आपका, रेहान डैम कौन से राज्य में है, ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था, ये आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सॉरी असम में। ठीक है, हॉकी टीम के कोच कौन है, हरिंदर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया था, तो 196,024 किलोमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, ये आपका 1901 में हुई थी। ठीक है, SBI के चेयरमैन भी यहाँ पे पूछे गए, रजनीश कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे आपके जीके और साइंस के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे रीजनिंग पे। ठीक है, तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन था आपका, B2H8E5N14 में ओड वन आउट आपको निकालना था, कि इसमें ओड कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे सभी देखें, सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, और ई आपका जो है ये आपका वोवेल है। ठीक है, ई 5वें नंबर पे आता है,
तो यहाँ पे ये वोवेल है, तो यही आपका मतलब ओड हो जाएगा इसमें, ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कथन था, कुछ पेने क्लिप है और सभी क्लिप नुकीले हैं। तो इसका आपको वेन डायग्राम बना के आपको बताना था, कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कुछ पेने क्लिप हैं, तो पेन का आपने वेन डायग्राम बनाया और कुछ पेने क्लिप हो गई, ठीक है, और सभी क्लिपे नुकीले हैं, तो क्लिप के ऊपर को नुकीले वाला वेन डायग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वेन डायग्राम तैयार हो जाएगा। यहाँ पे पूछा कुछ नुकीले पेने हैं, कुछ नुकीले जो नुकीले हैं, ये नुकीले वाला डायग्राम, ये कुछ पेने हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पीने नुकीले हैं, तो जो कुछ पीने हैं ये नुकीले हैं, तो ये वही वाली बात होगी, मतलब एक बार उल्टा करके बोल दे एक बार सीधा करके, मतलब इसी तरीके से, तो दोनों ही राइट हो जाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा शायद इसीलिए कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया गया होगा कि इसमें बच्चे कुछ आइदर और वाले कंडीशन लगा सकते हैं, बट ये दोनों ही राइट रहेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका काउंटिंग फिगर से आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो इसमें बताना था आपके नंबर ऑफ आपके ट्रायंगल्स बताने थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा सा 1 2 3 4 5 में, यानी कि इस तरीके से काउंट करेंगे इनको जितने भी होंगे, और उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2020 का कैलेंडर आपका रिपीट कब करेगा, देखिए 2020 आपका क्या है, लीप ईयर है, एक लीप ईयर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है, तो आपको बस सीधा सीधा 2020 में 28 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 2048 में जाके रिपीट होगा, यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक था आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन कि सब्जेक्ट साइंस मैथ में वेन डायग्राम बनाइए, तो सब्जेक्ट जो है यानी कि जो साइंस और मैथ दोनों ही एक एक सब्जेक्ट हैं, और दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों अंदर आ जाएंगे किसके, सब्जेक्ट के, तो इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम आपको बनाना था, मतलब बहुत ही सिंपल है, तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है साइंस और मैथ दोनों के दोनों ही अलग है, भाई साइंस अलग है, ये तो नहीं कह सकते ना हम कुछ साइंस मैथ है कुछ मैथ साइंस है, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो ये अगर कोई भी डायग्राम आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, या फिर कोई एक इस तरीके से, तो कोई भी राइट नहीं होना था, राइट कौन सा होना था भाई, सब्जेक्ट जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं और ये दोनों अलग हैं, साइंस और मैथ दोनों अलग है, तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम आपको बनाना था, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक था आपका एनालॉजी से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, डी ई एफ यहाँ पे लिखा था, ई एफ डी मतलब कि इसको ये लिखा जाता है, तो एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा, तो इनके बीच में सबसे पहले आप रिलेशन फाइंड आउट करिए कि क्या रिलेशन है, यहाँ पे चल रहा है प्लस वन, ठीक है, प्लस वन और माइनस टू, तो डी से नेक्स्ट आपका ई, ठीक है, इस तरीके से प्लस वन और डी में से आया, सॉरी इसमें से हम माइनस टू करेंगे, तो आपका एफ में से डी आ जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा यानी कि प्लस वन एच और यहाँ पे माइनस टू, तो आपका एफ, तो जी एच एफ राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं, और इस पूरी वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रीजनिंग की बात की जाए तो इसलोगिन वाला चैप्टर हो गया, क्लोक वाला हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गया, ये मतलब कुछ चैप्टर है जो मैं डेली रोज रोज आपको बता ही रहा हूँ। तो थर्ड शिफ्ट की जो मैं वीडियो लेके आऊँगा, सेकंड नहीं थर्ड शिफ्ट की, सेकंड वाली भी देखिएगा क्योंकि सेकंड वाली में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो, फिर थर्ड शिफ्ट की जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें बिल्कुल आपको डिटेल में समझाता भी हूँ और बताता भी हूँ किस टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है, तो वो उस वीडियो को जरूर देख लिया करें, वो शाम के टाइम आती है आपकी 9 से 10 के बीच में आ जाती है, तो उसको जरूर देख लिया करें, ठीक है ना, चाहे उसका नोटिफिकेशन जाए ना जाए। अगर मैथ की बात की जाए तो टाइम एंड वर्क हो गया चैप्टर, मतलब फिक्स है, और इसी का ही मतलब एक टाइम एंड वर्क ऐसा मुझे चैप्टर लगता है जो बच्चे आगे क्वेश्चन बता सकते हैं, कई चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिनकी डिजिट याद नहीं आती हो या फिर क्वेश्चंस नहीं बताए जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान है, आसान क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पेपर आपका मतलब ठीक ठाक आ रहा है, इतना ईजी भी नहीं आ रहा है, ये याद कितना मतलब किस टाइप के क्वेश्चन रख पाते हैं बच्चे, वो क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ, तो इसलिए ऐसा लगता है कि आपको ये आसान है, ठीक है। एच सी एफ एल्शियम से भी आपके क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से भी है, ट्रेन से भी है, पाइप एंड सिस्टम से है, बोर्ड मास से है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एस आई सी आई पाई चार्ट से भी अब यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, क्वेश्चन तो नहीं पता बट मतलब आया है ये बताया गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है, और एज से भी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। स्क्वायर रूट का तो यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया है, किसी भी तरीके का स्क्वायर रूट दे दिया जाए आप इजीली कर सकते हैं, एक बार और समझ लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है तो 2 का पेयर बनाइए और जितना बच गया उसका एक अलग पेयर बनाइए, इसमें भी आप 4 को हटा देंगे, सिर्फ लास्ट वाली से देखना है कि आपको लास्ट में जो लिखा है ये किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 2 के में आता है 2 2 4 और 8 8 64, ठीक है, तो 4 आ गया इसके 64 के बाद में, तो इस तरीके से आपके 2 और 8 के बीच मतलब एंड में आता है 2 और 8 के स्क्वायर के, तो यहाँ पे आप देखना है आपको इससे छोटा स्क्वायर किसका है,
आठ का, क्योंकि नौ का करके देखेंगे तो 81 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो आठ का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसका मतलब आधा आंसर तो आपका क्या 8। ठीक है, एक इससे नेक्स्ट हमने करके देखा 9 का स्क्वायर कितना 81। अब आपको ये देखना है कि लास्ट में 2 रखें 8 रखें, अगर ये 81 के ज़्यादा पास है तो आपको 8 रखना है, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर के पास में है तो बड़े वाली संख्या, छोटे वाले स्क्वायर के पास में है तो छोटे वाली संख्या, तो ये 81 के ज़्यादा पास में है तो इसका मतलब आप 8 रख देंगे, तो 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, रेलगाड़ी से दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में समान रफ्तार से जा रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और एक दूसरे की ओर दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे चाल हमें निकालनी है। ठीक है भाई, क्या निकालनी है आपको, चाल निकालनी है। यहाँ पे दोनों की जो लेंथ दे रखी है कितनी है 120 मीटर की। ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही हैं, समान रफ्तार से जा रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो 120 है 120 है, दोनों एक दूसरे की तरफ को जा रही हैं, जब एक दूसरे की तरफ को जाती है तो दोनों की चाल को हम प्लस कर लेते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा ना। यहाँ पे दोनों की लेंथ को तो हम प्लस करेंगे, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, टाइम हमें पता है, तो स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड वन स्पीड टू को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s, यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। अब इस तरीके से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 240, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24s, तो s बराबर क्या हो जाएगा 240 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में समान रफ्तार से, ठीक है, यानी कि एक ही रफ्तार भी उनकी एक ही समान रफ्तार से जा रही हैं, तो अगर एक 10 आ गई तो दूसरी की भी 10 हो जाएगी, ये तो यहाँ पे आप कंफर्म हो गया। अगर आपको आंसर इसमें दे रखा होगा मीटर पर सेकंड में तो ये लगा देना, अगर किलोमीटर में दे रखा होगा तो 18/5 से इसको, यानी कि मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, एज से समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु, यानी कि कुछ और नाम थे यहाँ पे, ये नाम नहीं थे, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात आपका 8:15 है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनकी एज निकालनी पड़ेगी, 9 वर्ष बाद का इनका रेशो दे रखा है, वर्तमान का इनका रेशो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान की एज कितनी हो जाएगी 8x और 15x दोनों में 9 प्लस करेंगे तो इस रेशो के इक्वल बन जाएगा। भाई 9 वर्ष बाद का अगर रेशो दे रखा है तो दोनों में प्लस कर देंगे ना 9। ठीक है, तो 8x और 15x में हमने 9 प्लस किया तो ये इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो 9 वर्ष बाद का रेशो है ये है 11:18, ये इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 18 की इधर करेंगे तो 144x और 18 की करेंगे 9 में तो 162, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 165x और ये 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 21x और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका, यानी कि x वालों को एक साइड में लेकर आएंगे और इसको माइनस करेंगे तो 63 बचेगा, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी तनुज की एज आ जाएगी, सॉरी समीर की एज आ जाएगी, सबसे पहला समीर है फिर दूसरा तनुज है, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 3 की तो आपकी आ जाएगी समीर की एज, और 15 में करेंगे तो आ जाएगी तनुज की एज। बट हमें एज अगर निकालनी होती तो हम इस चीज़ को करते हैं, बट हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताना है। अगर अंतर ही बताना है तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, इनका रेशो हमें पता है 8:15 लिखा है, इनके रेशो का डिफरेंस देखिए कितना है, रेशो का डिफरेंस 7 है, तो आप सीधा 7 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए ना 21, आप कभी यहाँ पे समीर की निकालेंगे तनुज की निकालेंगे और उसके बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे तब बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पे इनकी एज पूछी जाती तो तब यहाँ पे इन दोनों में 3-3 की मल्टीप्लाई कर देते और वो इनकी एज आ जाती। ठीक है, और फिर उसके बाद इनका डिफरेंस निकालते तो टाइम लगेगा, तो हमें इनका डिफरेंस इस तरीके से नहीं निकालना है, हमें निकालना है इनके रेशो का डिफरेंस निकालिए और उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक यहाँ पे था आपका HCF, यहाँ पे निकालना था 3/4, 9/8, 27/2 और 3/2। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल 3/2 की जगह आपको लिखा था 1.5, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, सॉरी 1.5 ही था, तो 1.5 होगा तो इसको आप कर लेंगे 3/2। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालना है, जब HCF की बात की जाती है तो सबसे ऊपर वाले सभी संख्याओं का HCF और नीचे सभी संख्याओं का LCM आपको निकालना होता है। ठीक है, तो HCF मैंने निकालना आपको बता रखा है 3, 9, 27 और 3 का, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है
जो इन तीनों को आप मतलब डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सॉरी इन चारों को डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या वह क्या हो सकती है, तीन हो सकती है। इस तीन से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सब चारों को डिवाइड कर सके, बस यही आपका एचसीएफ है। क्योंकि हर चीज़ में आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, हर चीज़ में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आप खुद देख सकते हैं भाई थ्री को थ्री से मैं कट कर सकता हूँ, नाइन को भी कट कर सकता हूँ, 27 को भी और थ्री को भी। अब ये बताइए अगर मैं थ्री से ऊपर लेके चला जाऊँ, ठीक है, जैसे नाइन नाइन से कट जाएगा और 9 से 27 भी कट जाएगा, बट ये 3-3 तो नहीं कटेगा ना 9 से, तो इसका मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा, फिर 6 पे भी नहीं होगा, फिर 3 पे ही होगा। इसका मतलब 3 को ये भी कट कर लेगा, इसको भी कट कर देगा, 3 इसको भी, इसको भी, तो आपका 3 तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम की अगर बात की जाए 4822 की, तो यहाँ पे आपको देखना है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को आप मतलब वो हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है, इन सभी से डिवाइड हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या आपको देखनी है। तो सबसे छोटी संख्या देखिए, बड़ी से बड़ी तो बहुत मिल जाएगी, सीधा सीधा एलसीएम निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी संख्या इनमें 8 है, तो 8 से बड़ी तो अगर मैं लेके चला जाऊँगा फिर तो बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी ना, तो सबसे बड़ी 8 होगी, तो आपका 8 ही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 8 को ये 4 भी डिवाइड कर देगा, 8 को खुद से तो हो ही जाएगा, 2 से 2 से भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप सीधा सीधा इसी तरीके से निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल लीजिएगा। और एचसीएफ भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे करेंगे, 39273 लिखा है तो इसमें 3 से आप डिवाइड करके देखिए, ठीक है, 3 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब क्या बचा आपका नीचे, 1391 बचा। अब ये देखिए किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, केवल 1 से, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर मैं 1 से डिवाइड करता चला जाऊंगा तो फिर बचेगा 399 फिर 1, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसका मतलब आपका 3 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए इतने हार्ड एचसीएफ एलसीएम नहीं पूछे जाएंगे। एक और देख लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन। यहाँ पे 48 और 54 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बिल्कुल इसी तरीके से भी कर सकते हैं आप। आपको ये करना है, इससे आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल के आ जाएंगे। अगर आपको निकालना है एचसीएफ तो सबसे पहले इनको 48 और 54 को डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से हो जाएगा कितना, 24 27, फिर 3 से हो जाएगा कितना, 8 और 9 टाइम। अब ये बताइए किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है, कॉमन नंबर से नहीं हो सकता, अलग अलग नंबर से हो सकता है, तो ये तो हो गया आपका एचसीएफ। 2 और 3 के मल्टीप्लाई करिए, 6 आपका एचसीएफ हो गया। मतलब यहाँ तक आपने काम किया, ये तो एचसीएफ निकाल लिया, उससे आगे नेक्स्ट अपना कंटिन्यू कर दीजिए। 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 बार, ठीक है, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार, ये 9 का 9 रहेगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम। यानी कि जब तक ये फिर 1 1 ना हो जाए तब तक फिर डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए, और इन फिर इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, 432 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप एक ही मेथड से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है एचसीएफ एलसीएम निकालना। और आपको 1 से 2 क्वेश्चन स्क्वायर रूट एचसीएफ एलसीएम इनमें देखने को मिल ही रहा है, और आशा करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये आपकी समझ में आ गई होगी और आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। देखिए मतलब हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया है तो ये तो आपका एचसीएफ आ गया था, इससे नेक्स्ट आपने कंटिन्यू कर दिया वो आपका एलसीएम आ गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन यहाँ पे लगातार पूछा जा रहा है। 2 पाइप ए बी एक टंकी को भरने में क्रम 15 घंटे 24 घंटे लेते हैं, एक निकासी पाइप सी इस भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है, यदि तीनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो भरने में कितना समय लेगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करना है, ए 15 घंटे में भर देता है, बी आपका 24 घंटे में, और सी इसको भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। इन सभी का एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा, 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ए का आपका आ जाएगा 1 घंटे का 8 यूनिट वर्क, यानी कि ए पाइप जो है वो 1 घंटे में 8 यूनिट पानी भर देता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, 24 को डिवाइड कर देना है भाई यहाँ पे, यानी कि 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो बी का आ जाएगा 5 यूनिट वर्क, और 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो सी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी निकाल देता है। और देखिए दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में बता दूंगा कैसे कैसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इन सभी को अगर हम प्लस माइनस कर ले, क्योंकि ये 4 वाला तो हमें माइनस करना होगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 9, यानी कि 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भरा जा रहा है, तो 120 यूनिट पानी भरने में कितना समय लेगा, 120 को 9 से भाग कर देंगे तो 13 सही 3/9 आएगा, इसको कट करेंगे 3 से तो 1/3 हो जाएगा, तो 13 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1/3 को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से जाएगा कितनी बार 20 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 20 मिनट, तो 13 आवर 20 मिनट पूरा टाइम लगेगा इसको भरने में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट भी अवेलेबल करा दिया है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें टोटल 30
टेस्ट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है। बस आपको क्या करना है, नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर जाके क्लिक करिए, पेमेंट करिए। पेमेंट वहाँ पे 149 लिखा होगा, बट आपको 149 पेमेंट नहीं करनी है, ये हमें टॉपिक स्टडी वालों को मतलब छूट मिली है 20% की। तो हम इस पे 20% की छूट कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे कोड भरने का ऑप्शन आएगा Saurabh SPL, उसमें आपको कोड भरना होगा, ठीक है। तो इस कोड का ध्यान रखिएगा, इस कोड को भरते ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको नियर बाई ये 120 रुपीज़ का टेस्ट पड़ेगा। तो इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। जब एकदम आप पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम पे बहुत मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट देंगे तो उस टाइम पे जब लैपटॉप पे जहाँ पे भी आप डेस्कटॉप पे एग्जाम देंगे तो क्वेश्चंस पढ़ने में, रीड करने में, सोल्व करने में, वो आप घर पे बैठ के अगर आपके पास लैपटॉप है तो बिल्कुल एक बार वो माहौल आप बना के देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मुझे एग्जाम देना है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप इसको मोबाइल पे भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारी PDFs पड़ी हैं, तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो नीचे आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से PDF डाउनलोड करिए। बहुत सारी हज़ारों PDF वहाँ पे पड़ी है हर एक सब्जेक्ट की, और हर एक शिफ्ट की मैं वहाँ पे PDF अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू।